हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडहॉक टेस्टिंग क्या होता है, मंकी टेस्टिंग क्या होता है और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग क्या होता है, और इन तीनों टाइप्स के टेस्टिंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इस सीरीज के पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज एडहॉक टेस्टिंग? एडहॉक टेस्टिंग क्या होता है? एडहॉक टेस्टिंग ये एक रैंडम टेस्टिंग है जिसमें कोई भी प्लानिंग नहीं की जाती है। ये नेगेटिव टेस्टिंग है। जब फॉर्मल टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो एडहॉक टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। एडहॉक टेस्टिंग में ना तो कोई प्लानिंग होती है, ना तो कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है, ना कोई टेस्ट केस डिजाइन होता है। इसमें कोई रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी नहीं होता, ठीक है। मोस्टली इसमें जो नेगेटिव टेस्ट सिनेरियोज होते हैं ना, वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं विद एम टू ब्रेक द सिस्टम। इसमें एम होता है कि हम नेगेटिव टेस्ट सिनेरियोज को एग्जीक्यूट करें जिससे कि हम सिस्टम को हम फेल कर सके, सिस्टम को हम ब्रेक कर सके, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा डिफेक्ट मिल सके। इसमें हम एप्लीकेशन को चेक करते हैं बिना किसी प्रॉपर सीक्वेंस के, रैंडमली एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाता है। कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता इसमें एडहॉक टेस्टिंग में, ठीक है। एडहॉक टेस्टिंग कितना सक्सेसफुल रहेगा ये टोटली डिपेंड करता है कि जो जो टेस्टर है, वो कितना केपेबल है, उसके स्किल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा एडहॉक टेस्टिंग क्या होता है। मैं एक बार यहाँ पे इसकी डेफिनेशन राइट कर देती हूँ। तो ये है कुछ पॉइंट्स एडहॉक टेस्टिंग के। सबसे पहले, इट इज अ इनफॉर्मल टेस्टिंग प्रोसेस। ऐसा करते मैं जो लास्ट पॉइंट है उसको ऊपर ले लेती हूँ। इट इज अ इनफॉर्मल टेस्टिंग प्रोसेस। इट इज परफॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मल टेस्टिंग। जब फॉर्मल टेस्टिंग हो जाती है, फंक्शनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ये सारी टाइप्स की जो फॉर्मल टेस्टिंग है ये हो जाती है, तो इस टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। ये एक इनफॉर्मल टेस्टिंग प्रोसेस है जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होता, कोई टेस्ट डिजाइन नहीं होता, कोई टेस्ट केसेस नहीं होता। मोस्टली जो नेगेटिव टेस्ट सिनेरियोज हैं उनको टेस्ट किया जाता है एडहॉक टेस्टिंग में। इसमें रैंडमली एप्लीकेशन को ऑपरेट किया जाता है विथ एम टू ब्रेक द सिस्टम। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि हमारा कोई वेबसाइट है, जीमेल का वेबसाइट ही ले लीजिए, ठीक है। जीमेल का वेबसाइट है और जीमेल के वेबसाइट की फंक्शनल टेस्टिंग हो चुकी है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो चुकी है, सिस्टम टेस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन की फंक्शनल टेस्टिंग हो चुकी है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो चुकी है और सिस्टम टेस्टिंग भी हो चुकी है। अब हमें इस पे एडहॉक टेस्टिंग करना है, तो हम एडहॉक टेस्टिंग कैसे करेंगे इस पे? तो एडहॉक टेस्टिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी प्रोसेस, कोई भी सीक्वेंस, कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है। इसमें एप्लीकेशन को रैंडमली टेस्ट किया जाता है विथ एम कि हमें कुछ इश्यूज इसमें से फाइंड करने करने हैं, हमें सिस्टम को ब्रेक करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जीमेल के एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, वेब एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे और बिना लॉगिन किए हम कहीं भी क्लिक करना शुरू कर देंगे, और बिना लॉगिन किए हम इसमें लॉगिन नहीं किया हमने, क्योंकि प्रोसेस क्या कहता है कि हमें पहले लॉगिन करना, लेकिन हमें एडहॉक टेस्टिंग में हमें प्रोसेस फॉलो नहीं करना, ठीक है। इसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं होता, हम रैंडमली कुछ भी कर सकते हैं एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो विदाउट लॉगिंग इनटू द जीमेल एप्लीकेशन हमने किसी लिंक पे ऐसे क्लिक किया या कहीं भी हमने क्लिक किया और एक ब्लैंक पेज ओपन हो गया। तो ब्लैंक पेज ओपन हो गया तो क्या हुआ, ये एक बग है। तो इस तरीके से एडहॉक टेस्टिंग में हम रैंडमली एप्लीकेशन को हम चेक करते हैं, ठीक है। मोस्टली जो नेगेटिव सिनेरियो जो हमें पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उन चीजों को हम करेंगे, ठीक है। हमारा इसमें एम ये होता है कि हमें सिस्टम को ब्रेक करना है, हमें इश्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें कोई रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी नहीं होता, मैं वो भी यहां पे राइट कर देती हूँ। देयर इज नो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये एक इनफॉर्मल टेस्टिंग प्रोसेस है। एडहॉक टेस्टिंग कितना अच्छा होगा, इसका सक्सेस डिपेंड करता है टेस्टर की कैपेबिलिटी पे, कि टेस्टर को एप्लीकेशन की कितनी नॉलेज है। तो मैं यहां पे राइट कर देती हूं, द इफेक्टिवनेस ऑफ एडहॉक टेस्टिंग डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द टेस्टर
एंड टेस्टर इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द सिस्टम। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और राइट कर देती हूं, यहां पे राइट कर देती हूं। इन दिस वी चेक एप्लीकेशन या सिस्टम एप्लीकेशन विदाउट एनी सीक्वेंस, विदाउट एनी प्रोसीजर। Randomly and find some issues. Ad hoc testing के बाद समझते हैं exploratory testing. तो exploratory testing में जैसा कि नाम है हम application को explore करते हैं। जब कभी भी हमारे पास किसी भी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या फिर बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है, सफिशियंट रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, तो उस केस में हम एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करते हैं। कहने का मतलब ये कि पहले हम एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करेंगे, एप्लीकेशन के फ्लो को हम समझेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है एप्लीकेशन के बारे में, तो एप्लीकेशन को हम पहले समझते हैं डिस्कवरी एंड लर्निंग मेथड से। खुद से एप्लीकेशन को समझा जाता है, टेस्टर खुद से एक्सप्लोर करता है एप्लीकेशन को, खुद से फीचर्स को डिस्कवर करता है, एप्लीकेशन को लर्न करता है, इसीलिए इसको हम डिस्कवरी एंड लर्निंग मेथड कहते हैं। इसमें हमें रिक्वायरमेंट का पता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है वो बहुत पुराना होता है, रिक्वायरमेंट्स हमारे पास नहीं होते और हमें उसको टेस्ट करना होता है, तो उस केस में हम एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं। एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर करके, उसके फीचर्स को डिस्कवर करके पहले समझते हैं, एनालाइज करते हैं, टेस्ट केस को हम डिजाइन करते हैं, फिर हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो पहले एप्लीकेशन को एक्सप्लोर किया जाता है डिस्कवरी एंड लर्निंग मेथड से, फिर उसके बाद इसमें टेस्ट केसेस को प्रिपेयर किया जाता है, टेस्ट केस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं फॉलो किया जाता कि पहले फंक्शनलिटी वन को टेस्ट करेंगे, फिर टू को करेंगे, फिर थ्री को करेंगे, फोर को करेंगे। इसमें रैंडमली एडहॉक बेसिस पे फंक्शनलिटीज को टेस्ट किया जाता है। हो सकता है पहले हम वन को करें, फिर फोर को करें, फिर टू को करें, फिर थ्री को करें। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग मैं यहां पर राइट कर देती हूं, इन एक्सप्लोरेट या इन दिस टेस्टिंग लिख देती हूं, इन दिस टेस्टिंग फर्स्ट एप्लीकेशन अंडर टेस्ट इज एक्सप्लोर्ड जो भी एप्लीकेशन का फ्लो है उसको समझा जाता है, फ्लो ऑफ एप्लीकेशन इज अंडरस्टूड, देन टेस्ट केस इज डिजाइंड एंड टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, दिस टेस्टिंग इज परफॉर्म व्हेन रिक्वायरमेंट इज मिसिंग। तो यहां पे आपको ये डिफरेंस समझना होगा कि एडहॉक टेस्टिंग और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, ये दोनों अलग अलग टाइप्स की टेस्टिंग है। ठीक है, वैसे तो दोनों ही इनफॉर्मल टेस्टिंग प्रोसेस है, मैं यहां पे राइट भी कर देती हूं। ये भी इनफॉर्मल टेस्टिंग प्रोसेस है, लेकिन एडहॉक टेस्टिंग में क्या होता है, कोई भी टेस्ट केसेस वगैरह डिजाइन नहीं किया जाता है, मोस्टली नेगेटिव टेस्ट केसेस ही एग्जीक्यूट किए जाते हैं। एम होता है सिस्टम को ब्रेक करना एडहॉक टेस्टिंग में, लेकिन एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, सिस्टम को ब्रेक करने का एम नहीं होता,
सिस्टम को टेस्ट करने का एम होता है, लेकिन इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम सिस्टम को एक्सप्लोर करके एप्लीकेशन के फ्लो को समझते हैं, फिर हम टेस्ट केस डिजाइन करते हैं। लेकिन एडहॉक टेस्टिंग में ऐसा टेस्ट केस वगैरह डिजाइन नहीं किया जाता, इसमें कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किया जाता। एडहॉक टेस्टिंग को हम ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग को ट्रैक किया जाता है। इसमें प्रॉपरली पहले एक्सप्लोर किया जाता है, फिर टेस्ट केसेस डिजाइन किया जाता है, फिर टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में, लेकिन डॉक्यूमेंट इसमें हम एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करने के बाद हम प्रिपेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, इट इन्वॉल्व्स टेस्ट डिजाइन एंड कंट्रोल and notes are taken and progress is also tracked. एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में हम एप्लीकेशन को स्टडी कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट है हमारा उसको हम स्टडी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट भी कर देती हूँ, इट हेल्प्स टू स्टडी द प्रोडक्ट एंड जो डॉक्यूमेंटेशन है हमारा उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ऑगमेंट द डॉक्यूमेंट। एंड ऑल्सो रिसर्च द बग। लेकिन एडहॉक टेस्टिंग में हम अनयूजुअल बिहेवियर को सिमुलेट करते हैं, ऐसे बग्स को हम डिटेक्ट करते हैं जिनको ढूंढना मुश्किल है, ठीक है, जिनको रिप्रोड्यूस करना मुश्किल है। मैं यहाँ पे राइट भी कर देती हूँ, इट हेल्प्स टू सिमुलेट अनयूजुअल बिहेवियर and hard to find and hard to reproduce bugs कह लीजिए या फिर डिफेक्ट कह लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि एड हॉक टेस्टिंग और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब एड हॉक टेस्टिंग और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग के अलावा एक और कॉन्सेप्ट है गोरिल्ला टेस्टिंग, जिसको हम मंकी टेस्टिंग भी कहते हैं। ये मंकी टेस्टिंग या गोरिल्ला टेस्टिंग ये भी एडहॉक टेस्टिंग का ही टाइप है, ये भी एडहॉक टेस्टिंग का ही टाइप है। लेकिन इसमें जो टेस्टर होता है उसको एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, उसको एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो मंकी टेस्टिंग में, मंकी टेस्टिंग मोस्टली उन टाइप के एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है जहां पे एप्लीकेशन के लिए प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडहॉक टेस्टिंग डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द टेस्टर एंड टेस्टर इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द सिस्टम, लेकिन मंकी टेस्टिंग में ऐसा नहीं है। मंकी टेस्टिंग में जरूरी नहीं है कि टेस्टर को सिस्टम के बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग एप्लीकेशन का ले लीजिए, अब कोई गेम का एप्लीकेशन है, अब उसको टेस्ट करना है तो गेम के एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बच्चे को भी दे देंगे तो उस एप्लीकेशन को वो एडॉप्ट टेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके की जब रिक्वायरमेंट होती है जिसमें जिसमें कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, तो उस केस में हम मंकी टेस्टिंग या गोरिल्ला टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं। तो मैं राइट कर देती हूँ मंकी टेस्टिंग के भी पॉइंट्स, इसको हम गोरिल्ला टेस्टिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दिस टेस्ट इज ऑल्सो रैंडम इन नेचर, जैसे एडहॉक टेस्टिंग है वैसे ही ये भी रैंडम है नेचर में। देयरफॉर टेस्ट केसेस आर नॉट यूज इन मंकी टेस्टिंग। मंकी टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म बाय इंडिविजुअल हु डजंट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। टेस्टर टेस्ट रैंडमली बाय क्लिकिंग ऑन रैंडम ऑब्जेक्ट एंड एंटरिंग द रैंडम एंड इनवैलिड डेटा टू चेक इज द एप्लीकेशन गिव्स एरर और नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस लिस्ट डाउन किए हैं मंकी टेस्टिंग और एडहॉक टेस्टिंग के, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रैंडम टेस्टिंग।
एड हॉक टेस्टिंग और मंकी टेस्टिंग दोनों ही रैंडम टेस्टिंग टाइप है, दोनों में ही हम एप्लीकेशन को हम रैंडमली टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मंकी टेस्टिंग में हम एप्लीकेशन को हम टेस्ट करते हैं सिर्फ इतना इंश्योर करने के लिए कि एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं हो रहा। हम बस यहाँ वहां कुछ टेस्ट करके देख लेंगे क्लिक करके या फिर कुछ हम एंटर करके, और सिर्फ हम ये चेक करेंगे कि हमारा एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं होता। लेकिन एडहॉक टेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। एडहॉक टेस्टिंग में जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी है हम उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रैंडमली एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन एम होता है सिस्टम को क्रैश करने का। हम नेगेटिव सिनेरियोज में एग्जीक्यूट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि सिस्टम क्रैश हो एडहॉक टेस्टिंग में, लेकिन मंकी टेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। मतलब एडहॉक टेस्टिंग में हम कोशिश करते हैं कि सिस्टम ब्रेक हो, सिस्टम को हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंकी टेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। मंकी टेस्टिंग में हम बस थोड़ा बहुत ही टेस्ट करते हैं और बस हम चेक कर लेते हैं यहाँ वहां क्लिक करके, और सिर्फ थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ टाइप करके देख लेते हैं एप्लीकेशन पे कि सिस्टम क्रैश तो नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं हो रहा। लेकिन एडहॉक टेस्टिंग में हमारी कोशिश होती है कि हम नेगेटिव साइज को हम एग्जीक्यूट करें और सिस्टम को हम ब्रेक करने की कोशिश करें। ठीक है, एम होता है एडहॉक टेस्टिंग का नेगेटिव साइज को एग्जीक्यूट करके सिस्टम को ब्रेक करना, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा डिफेक्ट मिल सके। मंकी टेस्टिंग में कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, जस्ट रैंडम क्लिकिंग एंड टाइपिंग टू द सिस्टम इफ सिस्टम क्रैशेस। ठीक है, ये तो समझ आ ही गया हमें। लेकिन एडहॉक टेस्टिंग में टेस्टर अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी उसको टेस्ट जरूरी लगता है वो टेस्ट एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, रैंडम टेस्टिंग तो होता है लेकिन टेस्टर की नॉलेज के हिसाब से होता है। अब एडहॉक टेस्टिंग कितना इफिशियंट होगा वो कैपेबिलिटी है, टेस्टर की कैपेबिलिटी है, टेस्टर को कितना इनडेप्थ नॉलेज है सिस्टम का। ठीक है, बेस्ड ऑन टेस्टर्स नॉलेज टेस्टर चेक्स व्हाट ही फील्स नेसेसरी। मंकी टेस्टिंग कोई भी कंडक्ट कर सकता है, किसी को सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है, वो भी कंडक्ट कर सकता है। कैन बी कंडक्टेड बाय एनीबॉडी विदाउट एनी नॉलेज ऑफ सिस्टम और विदाउट एनी नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर, बट एडहॉक टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर की नॉलेज रिक्वायर्ड है। जितना अच्छा सॉफ्टवेयर का नॉलेज होगा उतना इफिशियंट होगा हमारा एडहॉक टेस्टिंग। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे मंकी टेस्टिंग और एडहॉक टेस्टिंग के, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया एडहॉक टेस्टिंग क्या होता है, एक्सप्लोइटेटिव टेस्टिंग क्या होता है और मंकी टेस्टिंग क्या होता है और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।